माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत को धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अलकायदा ने यह धमकी 7 पन्नों की एक मैगजीन जारी करके दी है। इस धमकी के बाद से भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। साथ ही यूपी में प्रयागराज समेत दूसरे इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मैगजीन में अतीक और अशरफ को शहीद घोषित किया गया है और मुस्लिमों को आजाद कराने की बात कही गई है। 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर काल्विन मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए जा रही थी। जैसे ही दोनों पुलिस की वैन से उतरे, मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया। 3 हत्यारे भी मीडियाकर्मी बनकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। इसी बीच 3 हत्यारों ने अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उस दौरान 18 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें से लगभग 8 गोलियां अतीक को लगी। इसके बाद हत्यारे अरुण मौर्य, सनी और लवलेश तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। फिलहाल अलकायदा की धमकी के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अलकायदा से मिली धमकी एक चिंता का विषय बन गया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।